नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं रसोगुल्ला। देखो यार, हम बहुत भाग्यशाली थे कि हम लोग भारत में जन्म ग्रहण किए, क्योंकि ये वो देश था जो एक समय विश्व गुरु हुआ करता था। पर आज भले ही ये बिछड़ा हुआ है, पर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये वही धरती है जहाँ भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जन्मे थे। यार, आज हमारा देश अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है, जानते हो क्यों? क्योंकि हम अपने सनातन संस्कृति और सभ्यता को भूल रहे हैं, अपने आप से आत्मविश्वास खो रहे हैं इसीलिए। और देखो यार, तुम सबको पता ही होगा, कुछ दिन पहले एक गर्भवती हथिनी को खाने में बम दे के कितनी निर्ममता से हत्या कर दिया गया। यार, जानते हो, ये घटना ये दर्शाता है कि हमारे देश में भी कितने निर्मम, निष्ठुर और जघन्य लोग जीते हैं, और ये घटना उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और ऐसे घटना होते रहेंगे क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं, हम एक साथ नहीं हैं इसीलिए। और यार, ये वो देश है जहाँ एक तरफ गौ को माता हिसाब से पूजा जाता है, उसको आदर किया जाता है, वहीं दूसरे तरफ उसी गौ को काट के खाया जाता है। ये वो देश है जहाँ साधुओं को सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है, और उसी साधु को कुछ लोग पुलिस के सामने निर्ममता से हत्या कर देते हैं। यार, ये वो देश है जहाँ डॉक्टर को भगवान के समान मान के उसको पूजा जाता है, उस पर फूल बरसाया जाता है, लेकिन कुछ लोग इन्हीं डॉक्टर पे पत्थरबाजी करते हैं, उन पे थूकते हैं, उनके साथ अश्लीलता करते हैं। तो यार, स्वाभाविक सी बात है, ऐसे देश में जहाँ हम लोग हाथी को सिद्धि विनायक गणेश मान के पूजते हैं, उसके शरण में जाते हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो एक गर्भवती हथनी को खाने में बम दे के निर्ममता से हत्या करे। और ये स्वाभाविक है क्योंकि हम लोग इसका प्रतिवाद नहीं करते। और ये लोग का ऐसा नहीं कि आज कर रहे हैं, इन लोग का ये मानसिकता हो चुका है कि जीवों पे, इंसानों पे अत्याचार करे, उनको शोषण करे, उसको बिना कारण का दंड दे। देखो यार, कुछ लोगों का मानसिकता इतना गिरा हुआ है ना कि उनको सुधारने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत से सालों से ये करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों, हम शायद ये भूल चुके हैं कि ये वही धरती है जहाँ महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी महाराज और ऐसे ही हजारों महापुरुष ने जन्म ग्रहण किया था। और हमारा देश हजारों सालों से पूरे मानव सभ्यता को विकास में लगे हुआ है, लेकिन यार आज हम लोग बिखर चुके हैं, अलग थलग हो चुके हैं, इसीलिए कोई भी इस देश पे आके हमला करके इस पे शोषण कर रहा है, चाहे वो मुगल हो या ब्रिटिश। पर दोस्तों, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी उठो, जागो और हर वो अन्याय और दुष्कर्म का विरोध करो जो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि यार अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद, जय भारत।